पात्रों तक योजना का लाभ पहुंचाने की है यात्रा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत विकास खंड तमकुही राज के ग्राम सभा देव पोखर एवं महुआवा बुजुर्ग और विकास खंड सेवरही के सुमही बुजुर्ग उर्फ महेदिया तथा सुमही संत पट्टी ग्राम सभा में चौपाल लगाया गया। सरकारी योजनाओं का लाभ पात्रों को ही मिले, यह जिम्मेदारी सभी की है। अगर कोई पात्र योजनाओं से वंचित है तो इसकी जानकारी तत्काल दे। यह बातें देव पोखर में फाजिल नगर विधानसभा के विधायक सुरेंद्र सिंह कुशवाहा ने कही। वह बुधवार को देव पोखर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान ग्रामीणों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। आगे ग्राम सभा सुमही बुजुर्ग उर्फ महेदिया में मंडल अध्यक्ष हिमांशु जायसवाल ने कहा कि वृद्धा विधवा पेंशन, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि लाभ पात्र व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर दिलाया जा रहा है। युवा नेता भाजपा आदित्य वर्मा ने ग्राम सभा सुमही संत पट्टी में कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकारें गरीब असहाय व किसानों के लिए कार्य कर रही हैं। ग्राम सभा सुमही बुजुर्ग उर्फ महेदिया के ग्राम प्रधान रामायण प्रसाद भगत, सचिव ओम प्रकाश सिंह, जय प्रकाश यादव एवं ग्राम सभा सुमही संत पट्टी के प्रधान प्रतिनिधि पूरन यादव, प्रमोद यादव और देव पोखर के प्रधान रुद्र प्रताप सिंह उर्फ मुन्ना व ग्राम सभा महुआ के प्रधान प्रतिनिधि मुरली मनोहर गोंड ने आए हुए अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस विकसित संकल्प यात्रा के दौरान सप्लाई इंस्पेक्टर रविन्द्र सिंह, गोलू कुमार, लेखपाल मुकेश कुमार, कोटेदार सलाउद्दीन, डॉक्टर सीमा यादव, डॉक्टर मधुसूदन मिश्रा, राणा सिंह, अभिषेक तिवारी, भोला यादव सहित काफी लोग उपस्थित रहे। हाजी नगर के लोकप्रिय विधायक सुरेंद्र कुशवाहा जी और लोकप्रिय और जनप्रिय भी हैं, इसलिए कि विधायक आपके द्वार इन्होंने करके दिखाया है, साबित किया है कि जो भी व्यक्ति इनको याद करता है उसके दरवाजे पे जाते हैं। लेकिन अभी विकसित भारत का कार्यक्रम चल रहा है जिसके तहत प्रत्येक ग्राम सभा में जाकर लोगों से रूबरू हो रहे हैं और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को सही पूर्वक मिल रही है कि नहीं मिल रही है इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो कुछ बातें हम करते हैं सर। ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, भारत के साथ लोगों को सशक्त बनाने में किस प्रकार सहायक साबित होने वाला? सबसे पहले नमस्कार जी। विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी की गारंटी, इसके पहले 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी, प्रधानमंत्री बने मोदी जी देश के, तो उन्होंने देश हित में बहुत सारे संकल्प लिए और सारे संकल्पों को उन्होंने गारंटी के साथ पूरा किया। और एक नया संकल्प लिया है मोदी जी ने कि आजादी के 100 वर्ष पूरा होने पर जिस दिन लाल किले पे तिरंगा फहराया जाएगा, वह तिरंगा विकसित भारत में फहराया जाए। हम भारत को 2047 तक विकसित भारत बना करके तिरंगा फहरावें, इस तरह का उन्होंने संकल्प लिया है। और पूरा भारत, भारत देश का हर निवासी, हर देशवासी इस संकल्प को ठाने हुए है कि 2047 तक निश्चित रूप से हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे। इस तरह का संकल्प सबने ले लिया है और गारंटी के साथ इसको पूरा करेंगे, इसका भी संकल्प हम लोगों ने लिया है। लेकिन माननीय विधायक जी को और मोदी जी को लोगों से किस तरह की सहायता चाहिए विकसित बनाने के लिए? देखिए, देश विकसित तभी होगा जबकि देश में रहने वाला हर भारतवासी, हर देशवासी यह मान ले कि हमारा नैतिक कर्तव्य है कि जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं आ रही हैं, उसका लाभ उसी को मिले जो उसके लिए पात्रता रखता हो। और मैं हर जगह मंच पे कहता भी हूँ कि एक हमारा नैतिक कर्तव्य है, नैतिक धर्म है कि अगर हमको यह दिख रहा है कि हमारे पीछे भी कोई व्यक्ति खड़ा है जिसको हमसे पहले किसी कल्याणकारी योजना की आवश्यकता है, तो हम अपना नैतिक कर्तव्य दिखाते हुए अगर उसको आगे कर देते हैं, पहले लाभ उसको दिलवा देते हैं, तो निश्चित रूप से यह भारत जो है 47 तक विकसित भारत बन जाएगा। लेकिन उम्र की तजुर्बा भी काफी ज्यादा जरूरी होती है सर। क्या लगता है कि जो ये कार्यक्रम हो रहा है इसके लोगों में कितनी अवेयरनेस, कितनी जागरूकता हो रही है? जहाँ जहाँ कार्यक्रम हो रहा है अपार भीड़ हो रहा है जी। अभी अभी
मैंने बताया कि एक मेरे गांव की महिला का पेंशन नहीं आया था, उसके खाते में परसों 9000 रुपया आ गया है जी। और वो मोदी जी कितना भी हम गलत कहें, जनता गलत कहे, लेकिन लेकिन आज महिलाओं में मोदी जी का विश्वास बढ़ा है और पुरुष से अधिक महिलाएं इस समय भागीदारी दे रही हैं, चाहे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उसका विकास हो रहा है, चाहे रोजगार के माध्यम से विकास हो रहा है। यही बताने के लिए आज जो मोदी जी का यह रथ चल रहा है, हम लोग जगह जगह जा रहे हैं चौपाल में। आज सारे अधिकारी जिनके यहाँ दरवाजे जा करके किसान खटखटा रहा है, वो स्वयं किसान के दरवाजे आके खटखटा करके उनका काम पूरा कर रहे हैं, जिससे किसान खुशहाली के रास्ते पर जा रहा है। और अभी अभी गैस बटा है, अभी जिनका आवास नहीं मिला है उनका नाम नोट किया गया है, उनको दवा वितरण किया जा रहा है, गोद भराई का काम किया जा रहा है, अभी जिनका पेंशन नहीं मिला उनको पेंशन का वो किया जा रहा है। तो जो पहले हम लोग जाते थे तहसीलों में जिला में, वह स्वयं यहाँ पर गांव गांव प्रत्येक गांव में जाना है। आया रह जा रहा है, माननीय विधायक जी जा रहे हैं। निश्चित रूप से 17 विभागों की सर आपके ग्राम सभा में आ रहे हैं, तो कितनी सहूलियत आपको मिल रहा है, क्योंकि आप लोगों को तो जाना पड़ता है, जनप्रतिनिधि हैं, जगह जगह ब्लॉक का चक्कर काटना पड़ता है, लेकिन वो सारी चीजें आज आपकी ग्राम सभा में है, तो कितनी खुशी है और कितनी सहूलियत है। इससे लोग बहुत संतुष्ट हैं, लोग हमारे ग्राम सभा में अब सभा लगा था और इससे पूरे लोगों का सहयोग भी है और जनता का भी सहयोग है, सरकार को भी इससे लाभ मिलेगा और पूरे जनता को भी लाभ मिल रहा है। तो निश्चित रूप से आपके लिए मोदी जी तो गारंटी लेकर आया है और मोदी जी चाहते हैं कि आपको सशक्त बनाए और विकसित अगर आप चाहते हैं तो विधायक जी ने बिल्कुल सही कहा, आपके अंदर नैतिकता होनी चाहिए और नैतिकता के साथ आपको आत्मनिर्भर होना भी जरूरी है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यूपी न्यूज 21, साथी पत्रकार मनीष तिवारी के साथ विकास तिवारी, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 21 रवि गुप्ता के साथ।